हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके चैनल टेक्निकल तुषार में। अगर फ्रेंड आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक्निकल तुषार के बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल का आइकन उसको भी दबा दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को जल्द से अल्लाह बता सके। और फ्रेंड चैनल को लाइक जरूर कर देना, फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फ्रेंड फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब ये सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड मेरे कुछ सब्सक्राइबरों की मैसेज आया था कि कमेंट आई थी कि प्ले स्टोर पर आप कैसे डालते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड मैंने भी अभी तक अपने ऐप को प्ले स्टोर पर नहीं डाला, क्योंकि मैं पहले सोच रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट पेमेंट गूगल से आ जाए, तो जब भी मैं प्ले स्टोर पर ऐप डालूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं किसी दूसरे की जो वीडियो है उसको मैं अपने चैनल पर डाल रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो फ्रेंड। तो इस वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना फ्रेंड। तो फ्रेंड चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, मैं हूं सुमित राज। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने थंकेबल से ऐप बनाया है या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो से, तो उसको प्ले स्टोर में कैसे पब्लिश करेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले पब्लिश करने के लिए आपको जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मैं सारा कुछ यहाँ पर रख चुका हूँ सेव करके एक फोल्डर में। जैसे ही मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर ये मैंने आइकन 512x512 का लिया है, जो कि वहाँ पर प्ले स्टोर में पब्लिश करने टाइम वो बताएगा कि कितना रेजोल्यूशन का आपको चाहिए। इसके बाद एक ग्राफिक, ये जो पोस्टर है ये ऐप के जो ऊपर में एक पोस्टर आता है उसमें लगा जाता है ये, तो इसको भी मैं रेडी कर चुका हूँ। अब ये मैंने 3 स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपने एपीके बनाया तो उसको आप मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे देखिए, कुछ लिखने के लिए भी आता है शॉर्ट में या फिर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में लिखने के लिए आता है, तो वो भी मैं यहाँ लिख के रख चुका हूँ, पहले से सारा कुछ मैं तैयार कर चुका हूँ। तो चलिए अब मैं आपको डेवलपर अकाउंट में लेके चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए, थंकेबल जो है बहुत से लोग थंकेबल से ऐप बना चुके हैं, तो उसका भी मैं ऐप बनाने का भी मैं आगे ट्यूटोरियल लाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसी से शुरुआत कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप प्ले स्टोर में पब्लिश करोगे। तो बहुत से लोग वीडियो बना चुके हैं यूट्यूब पे, तो उनको देख के बहुत से लोग ऐप भी बना चुके हैं, लेकिन वो ऐप क्या होता है कि अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, प्ले स्टोर में नहीं डाल पाते हैं। तो मैं इसी के बारे में आज आपको बताऊँगा। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा होम पेज है डेवलपर अकाउंट का, इसमें मैंने इतने सारे ऐप को पब्लिश कर चुका हूँ, और ये एक ऐप सस्पेंड हुआ है और एक रिजेक्ट हुआ है। तो ये रिजेक्ट का कारण ये था कि मैं उसमें बहुत सारा ऐड भर चुका था, तो उसमें कुछ कंटेंट नहीं था, ठीक है ना। तो ऐसा आप मत कीजिए कि कुछ ऐप में कंटेंट नहीं रहे और आप उसको पब्लिश करोगे तो नहीं होगा। जैसे कि मैंने देखा है बहुत सारे ऐप जो है वो सिर्फ टास्क कंप्लीट करवाते हैं, ऐड खुलवाते हैं, तो उसमें कुछ कंटेंट है ही नहीं, तो गूगल उसको रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए एक सस्पेंड हुआ, तो ये जो ऐप है सस्पेंड है, ये ऐप गीजर से बनाया हुआ है। तो ऐप गीजर से क्या किया था मैं, आइकन सेम ही किसी का कॉपी करके डाल दिया था, तो इसलिए सस्पेंड हो गया। और ये वर्ड मिला हुआ मैंने, ये भी ऐप गीजर से बनाया है। तो ऐप गीजर तो उतना खास नहीं है, थंकेबल बेस्ट है अभी तक का सबसे। एंड्रॉयड स्टूडियो से तो बहुत हार्ड हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलिए अब ऐप को पब्लिश कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए क्रिएट एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको टाइटल में कोई भी ऐप का नाम आपने रखा है उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैंने रखा है क्रैश क्वीन, तो क्वीन मैंने यहाँ पे, आप लोग सोचा हुआ स्पेलिंग गलत है, तो मैं यही लिखा हूँ स्पेलिंग, क्योंकि ये अच्छा लग रहा है। यू को हटा दिया है मैंने साइड में, तो क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आ चुका है यहाँ पे आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। तो मैं अब वहीं पे जहाँ पे मैंने सेव किया था वहां से मैं ले लेता हूँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। देखिए मैंने ये इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए दे रहा है, तो मैं उसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। चलिए अब ये भी हो गया।
तो देखिए दोस्तों ये भी हो गया। अब नीचे बढ़ते हैं, आप ग्राफिक देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालना है। तो स्क्रीनशॉट को भी मैं सेव करके रख चुका हूँ। मैं यहाँ डेस्कटॉप पे चलता हूँ और कहाँ, यहाँ यहाँ देखिए स्क्रीनशॉट है मेरे पास। तो मैं एक एक करके इसको, आप यहाँ देखिए 8 स्क्रीनशॉट आप इसमें अपलोड कर सकते हो। तो मेरे पास 3 ही है, तो मैं 3 ही को करता हूँ। और इसके बाद ये डाल देते हैं, और फिर से इसके बाद ये भी यहाँ डाल देते हैं। तो ये हो रहा है, अब स्क्रीनशॉट डाला गया है। अब दोस्तों नीचे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखिए हाई रेजोल्यूशन आइकन, तो आइकन को भी मैं सेव करके रख चुका हूँ। तो दोस्तों ये सब आप पहले से तैयार करके रख लीजिए, ठीक ना। अगर आप ये, आपको नहीं पता है कि कहाँ से आइकन बनाएं, या फिर ये ग्राफिक का जो फीचर इमेज है ये कहाँ से बनाएं, तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से बनाना है। तो आइकन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों आइकन भी हो चुका है। अब यहाँ पे आ रहा है एक, यहाँ पे ग्राफिक इमेज। तो ग्राफिक इमेज वही जो ऐप के जैसे प्ले स्टोर खोलते हैं तो ऊपर में शो होता है, तो ये ग्राफिक कार्ड मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सारा रेजोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक ना। तो इससे देख के आप बना सकते हो। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि ये सब कहाँ से बनाया जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए canva.com एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। यहाँ से जितने भी मुझे रहते हैं कुछ रेजोल्यूशन वाला बनाने का, तो मैं यहीं से करता हूँ। देखिए सिंपल है, यहाँ पे आपको फेसबुक से साइन इन करना होगा इस पे, और यहाँ देखिए जो भी डायमेंशन या रेजोल्यूशन में आपको चाहिए यहाँ पे डाल दीजिए और डिजाइन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मैंने इस डिजाइन किया हुआ है, तो ये बेस्ट वेबसाइट है। तो चलिए दोस्तों अब ये भी हो चुका है। अब इसके बाद ये सब टीवी वगैरह ये सब नहीं डालना है, प्रोमो वीडियो भी डाल सकते हो, तो वो हम नहीं डालेंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट करना होगा, अप्लीकेशन है तो अप्लीकेशन कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो मेरा जो इस ऐप में है वो जोक डाला है, ठीक ना। जोक के ऊपर मैंने ऐड लगाया है, तो ये इंटरटेनमेंट में मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपको अपना ऐप भी दिखाऊंगा लास्ट में कैसा बनाया है। तो इंटरटेनमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट डालने का जरूरत नहीं है। और ये ईमेल आईडी हो गया, और फोन नंबर भी डाल सकते हो। और यहाँ पे आ गया प्राइवेसी पॉलिसी, तो इसको मैं अभी सबमिट नहीं करूंगा। अब ये हो चुका है, अब इसको हम सेव ड्राफ्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों यह सही का टिक लग चुका है। अब इसके बाद हमें आना है कंटेंट रेटिंग में। तो ये देखिए कंटेंट रेटिंग अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमको जो है एपीके को अपलोड करना होगा। तो यहाँ ऐप रिलीज में आप यहाँ से कर सकते हो एपीके। तो यहाँ हम मैनेज प्रोडक्शन पे जाएंगे और क्रिएट रिलीज पे करेंगे। तो दोस्तों अभी हमें जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे गूगल प्ले ऐप साइनिंग बोल रहा है, तो इसको मैं ऑप्शन आउट कर देता हूँ। इंट्रोड योर ऐप इन टू गूगल प्ले साइनिंग लेटर वुड इन्वॉल्व कंप्लीटिंग सेवरल डिटेल स्टेप एंड टैप ऑल डिटेल। तो इसको हम लेटर में करेंगे, इसको बाद में हम करेंगे सेंड। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हमको एपीके अपलोड करने के लिए आ रहा है। तो एपीके मैं थंकेबल में चलता हूँ, अपना एपीके जनरेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यही मेरा ऐप है, मैं इसको अब एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने एपीके जनरेट कर लिया, अब मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पे एपीके रखा हुआ है मेरा, तो इसको मैं सेलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। और ये हो रहा है अपलोड, देखिए कितना फास्ट में हो रहा है। और ये अपलोड सक्सेस हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों नीचे चलते हैं,
ये वर्जन कोड भी आ गया, देखिए 1.0। अगर आप अपडेट करते हो तो यहाँ पे आपको चेंज करना होगा, 1.1 या 1.2 जो भी आप दोगे, थंकेबल में भी चेंज करना होगा और यहाँ पे भी। तो चलिए हम नीचे देखते हैं और यहाँ हम रिव्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो ये भी हो चुका है, ऐप रिलीज हो चुका है। अब इसके बाद हमें कंटेंट रेटिंग पे जाना है। ये ऑप्शन आ गया, उस टाइम नहीं आ रहा था, तो कंटिन्यू कर देते हैं। और यहाँ पे हमें ईमेल आईडी डालना है, तो ईमेल आईडी भी हो गया। अब यहाँ पे इसे कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो मैं यहाँ पे इंटरटेनमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। तो ये सभी आपके बैलेंस है इस ऐप में या फिर कुछ खराब चीज है, तो नो सभी को नो नो करते जाइए। नो करने वाला भी है, कुछ यस वाला नहीं है यहाँ। सभी में आप नो मारते जाइए। अब इसके बाद सेव कर दीजिए। अब कैलकुलेट रेटिंग करते हैं, कितना हमें रेटिंग मिला है। अप्लाई रेटिंग, तो देखिए दोस्तों ये भी हो चुका। अब इसके बाद प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे इसे हमें फ्री रखना है और यहाँ पे कंट्री आप लोग को सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से कंट्री में रहेगा। तो ये मैं सभी को अवेलेबल कर देता हूँ। या फिर आपको सिर्फ इंडिया के लिए रखना है तो इंडिया को भी चुन सकते हैं। तो नीचे चलते हैं हम। इसके बाद यहाँ पे जियो और डायरेक्टरी, तो यहाँ पे हमें नो करना है। चिल्ले कंट्री एड, तो नो इस नहीं ऐड है इसमें, यस करना है हमें। अब इसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे आपको तो यहाँ पे इसके बाद हमें यहाँ पे टिक मारना है, कंटेंट गाइडलाइन गूगल के गाइडलाइन के अंदर ये आता है। इसके बाद यहाँ पे टिक मारना है। तो ये हो चुका। अब हमें यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर देना है। अब ये हो चुका है, देखिए चारों चीज में टिक लग चुका है। तो अब यहाँ पे आ रहा है रेडी टू पब्लिश का ऑप्शन, तो यहाँ से हम सीधा पब्लिश कर देते हैं। जोर ऐप इज रिलीज, मैनेज रिलीज पे चलते हैं। अब यहां से हमें एडिट रिलीज करना है और यहाँ देखिए नीचे आ चुका है रिव्यू का ऑप्शन, और यहाँ स्टार्ट रोल आउट पे कर देना है कंफर्म। तो देखिए दोस्तों ये हो चुका है, प्रोसेसिंग यहाँ लिख रहा है, मतलब कि कुछ टाइम में ये पब्लिश हो जाएगा। तो पब्लिश हो जाता है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पेंडिंग पब्लिकेशन। तो यही था दोस्तों, आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ भी देखिए पेंडिंग लिखा हुआ है, जैसे पब्लिश हो जाएगा तो यहाँ पब्लिश लिखा जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको अपना ऐप दिखा देता हूँ, कैसा ऐप मैंने पब्लिश किया है, कैसा ऐप बनाया है थंकेबल से। तो देखिए दोस्तों ये यूजर इंटरफेस दिया है मैंने, यहाँ पे स्टार्ट अर्निंग गाइड है और कॉन्टैक्टर्स है। तो यहाँ देखिए नीचे में मैंने एक बैनर ऐड भी लगा दिया है। अब स्टार्ट अर्निंग पे जैसे ही क्लिक करूँगा मैं, तो ये यहाँ पे जॉब ओपन होगा, क्योंकि इसमें आपको कंटेंट रखना है, सिर्फ ऐड ही खुलवाना नहीं है। जैसा कि बहुत सारे ऐप में मैंने देखा है सिर्फ टास्क देते हैं कंप्लीट करने के लिए, वहाँ पे भर भर के ऐड खोलता है। तो ऐसा आप प्ले स्टोर में नहीं पब्लिश करो। मान लीजिए पब्लिश भी हो जाता है तो फिर बाद में वो गूगल के नज़र में आएगा तो वो सस्पेंड हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने एक ऐड भी डाला हुआ है, बैनर ऐड दो ठो है, एक ऊपर एक नीचे। और ये नेक्स्ट बटन करते हैं, यहाँ पर प्लीज़ वेट लिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्लॉक को सेट कर दिया है कि 10 सेकेंड बाद ये नेक्स्ट का बटन आएगा। और देखिए आ चुका है नेक्स्ट का बटन। फिर से नेक्स्ट करते हैं, फिर से यहाँ पे मैंने 10 सेकंड का क्लॉक लगा दिया है। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा ऐप बनाना है तो मैं सिखाऊंगा आगे, ये मेरा पहला है ट्यूटोरियल। और नेक्स्ट कर देते हैं फिर से, तो मैंने बटन क्लिक पे भी ऐड लगाया है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्टियल ऐड मैंने बटन क्लिक पे भी लगाया है। और देखिए यहाँ पे ऐड खुल रहे हैं,
तो यहाँ पे एक कंटेंट है, ठीक ना, बिना कंटेंट का आप मत करो। तो देखिए दोस्तों, ये पेटीएम का ऑप्शन मैंने यहाँ पे लगा दिया है, धन्यवाद आप जीत चुके हैं पेटीएम कैश। तो दोस्तों कई लोगों ने क्या किया है, इसमें जो है मान लीजिए यहाँ पे कुछ इंटर नहीं करेगा मोबाइल नंबर और उसके बाद भी सबमिट करता है तो वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सेटिंग कर दिया है, जैसे अगर इसमें मोबाइल नंबर इंटर नहीं हुआ तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, इनपुट पेटीएम नंबर बोलना है। तो अब मैं यहाँ पे नंबर डाल के कुछ आगे बढ़ जाता हूँ, देखिए सबमिट अब आगे बढ़ चुका है सक्सेस। तो यही तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख लो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में बेल का आना उसको जरूर जरूर दबा देना फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद फ्रेंड्स।